हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ ब्रांडेड बैग्स की कलेक्शन। इस शॉप पे ना आपको बहुत ही अच्छे बैग्स मिलने वाले हैं। क्वालिटी वाइज ये बहुत ही बढ़िया हैं। और गाइस, ये आपको मिलने वाला है सदर बाज़ार में, 12 टूटी चौक पे। ये अंकल लगाते हैं यहाँ पे स्टॉल अपना, और इनके पास ना आपको एक से एक ब्रांडेड बैग मिलने वाला है। क्वालिटी इनके बैग की बहुत ही अच्छी है। और गाइस, ये अंकल यहाँ पर संडे को लगाते हैं सदर बाज़ार में, और थर्सडे को ये अंकल सीलमपुर में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो गाइस, कलेक्शन तो गाइस आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके की इन अंकल के पास मिलने वाली है आप लोगों को। तो इनके पास आपको शोल्डर बैग, स्लिंग बैग्स, बैकपैक्स, हर तरीके के बैग्स मिल जाएंगे। एंड प्राइस की बात करूँ तो गाइस, प्राइस मैं सबके मेंशन करती जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सभी के प्राइस मेंशन करना तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ बैग्स के मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो आप लोग को इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस रेंज के बैग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड गाइस, बैग्स की बात करूँ तो ये देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे बैग्स हैं। एंड गाइस, ये वाला बैग तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये बहुत ही क्यूट सा बैग था, और प्राइस रेंज तो इसकी सिर्फ 350 रुपीज़ थी। तो 350 रुपीज़ में तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही क्यूट सा बैग था ये। बहुत ही इस तरीके के बैग्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और मुझे तो ये सारे ब्रांडेड ही लग रहे थे, क्योंकि इनका ना स्टफ़ बहुत ही अच्छा था। इन अंकल की बैग्स की कलेक्शन मुझे तो गाइस बहुत ही अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके के साइड बैग्स जो ये होते हैं कि इनमें पर्स वगैरह मतलब आप रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, और थोड़ा सा कैश वगैरह रख सकते हैं, इस तरीके के बैग्स भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मिल जाएंगे। एंड गाइस, आपको ना ये अंकल सीलमपुर में मिल जाएंगे थर्सडे को। थर्सडे की जो मार्केट लगती है सीलमपुर में, जो 9 बजे से लगती है, वहाँ पर अंकल आपको मिल जाएंगे। ये दो ही मार्केट में लगाते हैं अंकल। संडे को आपको ये अंकल सदर बाज़ार में मिल जाएंगे, और थर्सडे को आपको ये अंकल सीलमपुर मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी डे विज़िट करना चाहते हैं, इन दो मार्केट्स में विज़िट कर सकते हैं। तो गाइज़, ये एक और क्यूट सा प्यारा सा बैग, ये देखिए छोटा सा बैकपैक है, ये ऑलिव ग्रीन कलर का था, ये बहुत ही क्यूट था। ये आपको 300 रुपीज़ में मिल जाएगा। जैसे कि ना कहीं आप मार्केट वगैरह में विज़िट कर रहे हैं, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये छोटा सा बैकपैक आप मतलब टीनेजर्स गर्ल्स वगैरह इसको यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही प्यारा लगता है, क्यूटी सा बैग था। और इस तरीके के ये साइड बैग्स और डिज़ाइनिंग इन बैग्स की आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है इनको। तो इस तरीके के बैग्स आपको यहाँ पर काफ़ी सारे मिलने वाले हैं इन अंकल के पास। इन अंकल की वैरायटी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। तो गाइज, अगर आप लोग इन दोनों मार्केट में विजिट करते हैं, तो इन अंकल की शॉप पे आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इनकी कलेक्शन मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के बैग्स आपको इनके पास मिलने वाले हैं। ये जो बैग्स आप लोग इन अंकल के पास देख रहे हैं, इस तरीके के बैग्स अगर आप लोग मॉल वगैरह में लेने जाएंगे ना, या फिर किसी शॉप पे लेने जाएंगे, तो आप लोगों को 2500-3000 रुपये से कम में ये बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। आप देख सकते हैं ये क्वालिटी वही है जो आप लोग मॉल्स वगैरह में देखते हैं, और किसी हाई स्टैंडर्ड की शॉप पर देखते हैं। इसी तरीके की वैरायटी अंकल ने अपने पास रखी हुई है। तो यहाँ पर आपको ये 500-700 रुपीज़ में मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आपको ये बहुत ही कॉस्टली मिलेंगे। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली यहाँ से ले सकते हैं। इनकी वैरायटी सीरियसली बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे बैग्स इन अंकल ने अपने पास रखे हुए थे। तो गाइज़, यहाँ पर ना मैं अंकल से पूछ रही थी कि अंकल आप ना इस मार्केट के अलावा और कौन सी मार्केट में अपना स्टॉल लगाते हैं, तो अंकल ने मुझे सिर्फ दो ही मार्केट्स बताई। तो नेक्स्ट गाइज़, यहाँ पर आपको इस तरीके का घरेलू सामान भी मिल जाएगा। यहाँ पर ना आपको ये सिर्फ 10 रुपये से स्टार्टिंग है, यहाँ पर इस तरीके की प्लास्टिक के सामान यहाँ पर मिल रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पर ना आपको ये बच्चों की कैप्स मिल जाएंगी, जैसे कि आजकल समर सीज़न स्टार्ट हो गया, तो ना यहाँ पर आपको बहुत ही क्यूट क्यूट गर्ल्स की और बॉयज़ की दोनों की कैप्स मिल जाएंगी। ये बहुत ही प्यारी प्यारी कैप्स थी, और इनके प्राइस ना भैया ने मुझे 200 रुपीज़ से बताया था, 200, 250 और 300 रुपीज़ इनका प्राइस रहने वाला था। नेक्स्ट यहाँ पर ना आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, ये कॉटन के प्रिंटेड फैब्रिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और इनका प्राइज़ 80 रुपये पर मीटर मुझे बताया था भैया ने। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये लेसेस मिल जाएंगी, इस तरीके की लेसेस भी आपको यहाँ पर काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग यहाँ से ये लेसेस लेना चाहते हैं, तो ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट ना, अब जैसे कि राखी सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आपको यहाँ पर राखियाँ भी मिल जाएंगी, राखियों की भी काफ़ी
भी शॉप यहाँ पे लगी हुई हैं, तो जो शॉपकीपर्स हैं रिटेलर्स वो लोग यहाँ से आके ले सकते हैं। तो राखी भी लगनी अब इस मार्केट में शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से ये देखिए मार्केट का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, कितना रश है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको इस तरीके की कुर्तियाँ भी काफ़ी सारी मिलने वाली हैं, हर तरीके के प्लाज़ो सूट, नायरा कट सूट, आलिया कट सूट, इस तरीके के प्लाज़ो सेट्स वगैरह यहाँ पर आपको बहुत ही सारे इस तरीके से मिल जाएंगे। एंड और भी यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। देखिए राखियाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो देखिए राखियाँ भी यहाँ पे भरपूर आ गई हैं। ये देखिए पूरी शॉप पे इस पर आपको राखियाँ ही मिलने वाली हैं। हर तरीके की बच्चों की राखी भी आप यहाँ से ले सकते हैं, बड़ों की ले सकते हैं, और लेडीज़ की राखी भी मैंने आपको दिखाई दी है। तो इस तरीके की राखियाँ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको टॉप्स वगैरह भी मिल जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर कपड़े की टुकड़े मिल जाएंगे, मतलब फैब्रिक्स मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टॉप वगैरह भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ना ये राखियाँ मिल रही थी लेडीज़ की, तो इस तरीके से, लेकिन ना आपको गाइज़ यहाँ पर ये पूरे 12 पीसेज ही मिलेंगे, यहाँ पर आपको लूज़ में नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मतलब हम सिंगल पीस या टू पीस लेना चाहें तो टू पीस और सिंगल पीस यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ये आपको पूरा पैक ही मिलेगा। और ये पूरा पैक 12 पीसेज का होता है, तो अगर आप 12 पीसेज का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको 12 पीस से कम यहाँ पर नहीं मिलेगा। और प्राइस रेंज इनकी काफ़ी कम है, जैसे कि 30 रुपये पर पीस, 35 रुपये पर पीस, 40 रुपये पर पीस, 20 रुपये पर पीस, इस तरीके की इनकी रेंज रहने वाली है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो अगर आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी थी ये, और ये लेडीज़ की राखियाँ हैं सारी, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी मिल रही थी। और इस तरीके के नज़रबट्टू भी, मतलब ये राखी आजकल चल रही है फैशन में, तो इस तरीके के भी आप लोग यहाँ से राखियाँ ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी मतलब मार्केट में आई हुई थी। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक और शॉप देखी, जहाँ पर ना आपको चूड़े मिल जाएंगे, ये ब्राइडल चूड़े यहाँ पर 250 और 200 रुपीज़ की रेंज में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे डिज़ाइन इन अंकल के पास थे, तो इस तरीके के चूड़े भी आप लोग ले सकते हैं, कलरफुल में और रेड कलर में, इस तरीके की बहुत ही प्यारी प्यारी बैंगल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जूतियाँ भी मिल जाएंगी, इस तरीके के फुटवेयर भी यहाँ पर अवेलेबल थे, और ये सिर्फ 150 और 200 रुपीज़ की सेल लगाई हुई थी, तो इस तरीके की सेल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी साड़ी वगैरह के पिन भी यहाँ पर मिल जाएंगे, और साड़ी वगैरह के पिन आपको यहाँ पर बहुत ही सारे वैरायटी में मिलने वाले हैं, ये देखिए। लेकिन गाइस मैं बता दूँ आपको, आपको पूरा पैक ही मिलेगा, लूज़ में यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आप लोग लूज़ में लेना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आपको पूरा पैक ही लेना पड़ेगा। तो गाइज़ ये पर पीस जो मैं अभी आपको स्टोन वाले दिखा रही हूँ, ये भैया ने मुझे 20 रुपीज़ पर पीस बताया था, ये आपको पर पीस सिंगल मिल सकता है, लेकिन जो दूसरे मैंने आपको दिखाए हैं वो पूरा आपको पैक ही मिलेगा। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये डॉल मिली, एक आंटी सेल कर रही थी, ये बहुत ही क्यूट थी, और ये 50 रुपीज़ की उन्होंने मुझे बताई थी, ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, उसमें ना काफ़ी सारे कलर्स थे। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।